गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज एयर, चैप्टर नंबर 16. आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर 15 वी हैव टू स्टार्ट 16 चैप्टर. नो चैप्टर विल बी एस्केप्ड ड्यूरिंग कोविड-19. आपके सारे चैप्टर्स होंगे, ठीक है. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट. होल्ड योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर माउथ. होल्ड योर हैंड्स, अपने माउथ के सामने अपना हाथ लाकर देखिए. ब्रेथ इन डीपली, सांस लीजिए अंदर. एंड ब्रेथ आउट टुवर्ड्स योर फिंगर्स, अपने फिंगर्स की तरफ, बाहर की तरफ से सांस निकालेंगे. व्हाट डू यू फील, क्या फील होता है? हमको फील होता है कि अंदर से कोई भी प्रेशर लाइफ से हवा बाहर आती है. तो व्हाट मेक्स योर फिंगर्स फील हॉट, क्या होता है जिससे हमारे हाथ को थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है? द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन इज एयर. इसका आंसर क्या है? एयर इज द थिंग दैट कीप आवर पाम वॉर्म. यू कैन फील इट ओनली वैन इट इज मूविंग. हम लोग उसको फील कर सकते हैं जब ये मूव कर रही होती है, हवा चल रही होती है, तभी हमको महसूस होती है. अदरवाइज सब जगह एयर प्रेजेंट है, ठीक है. विंड इज द नेम गिवन टू मूविंग एयर. विंड क्या है आपका? मूविंग एयर. वॉट इज द विंड? विंड इज मूविंग एयर. मूविंग एयर, तो आई कैन से मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड. ओके, एयर इज एवरीवेयर. एयर इज एवरीवेयर. कीप एन ओपन बुक अंडर अ फैन. फैन के नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर ओपन बुक ओपन करते हैं और फैन को चालू करते हैं, तो व्हाट हैपेंस टू द पेजेस ऑफ द बुक? द पेजेस विल मूव. पेजेस क्या होंगे? मूव करना स्टार्ट करेंगे. लेट अ गर्ल विद ओपन हेयर स्टैंड अंडर द मूविंग फैन. फैन चल रहा है, उसके नीचे एक गर्ल को खड़ा करते हैं जिसके बाल खुले हुए हैं. तो What happens to the hair? क्या होगा? Hold a handkerchief in your hand and stand under a moving fan. रुमाल को ऐसे पकड़ के हम लोग रखेंगे तो फैन के नीचे क्या होगा? तो ये सारी चीजें जो है, you'll notice that the leaves of the book, book के pages होंगे, start fluttering. Fluttering मतलब पलटना start हो जाएंगे. Also the handkerchief and the hair start moving. बाल भी हिलना start हो जाएंगे और रुमाल भी हिलना start हो जाएगा. What will happen if all the above activities are performed? Performed in a different room with a fan. अलग अलग रूम में अगर उसको ये एक्टिविटी जो है, रुमाल की, लड़की की, हेयर्स की, ये सारी जो चीजें हैं वो सारी अलग अलग रूम्स में हम लोग करें तो क्या होगा? द आंसर रिमेन्स द सेम. आंसर क्या होगा? सेम होगा कि वो सारे क्या होंगे? मूवमेंट शो करेंगे. द ऑब्जेक्ट शोज द सेम मूवमेंट इन एवरी रूम एज एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. क्योंकि हर जगह पर क्या है? एयर प्रेजेंट है, ठीक है. द आंसर, सॉरी, नाउ लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फर्दर फील द प्रेजेंस ऑफ एयर अराउंड अस इन वॉटर एंड इन द सोइल. हम लोग क्या करते हैं? एयर इज एवरीवेयर, तो हम लोग एक एक्टिविटी शो करते हैं. सपोज हमारे पास एक खाली ग्लास है, खाली पानी का ग्लास है, कांच का ग्लास है, उस खाली ग्लास के अंदर भी एयर होती है क्या? यस. उसको शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको ग्लास को हम लोग उल्टा पकड़ेंगे और उसको एक पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर हम लोग लेकर जाएंगे. लेकर जाते हैं क्या? लेकर जाने के बाद क्या होगा? हम लोग उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, तो उसके अंदर से बबलिंग होगी, बुलबुले निकलेंगे, बबलिंग होगी. वो क्या शो करते हैं? बुलबुले निकलना, उसकी प्रेजेंस, एयर की प्रेजेंस को वो शो करेंगे. इसके अंदर बबल्स बनेंगे एयर के, ठीक है. तो ये क्या करेंगे? आपकी सोयल. और दूसरी बात, सोयल के अंदर, सोयल के अंदर कैसे कि हम लोग एक मुट्ठी उठाकर सोयल लेंगे और पानी के अंदर उसको डालेंगे. पानी के अंदर जैसे ही हम लोग सोयल को डालेंगे, उसके अंदर फिर से क्या होगी? बबलिंग होगी. इसका मतलब क्या है? वहां पर क्या है? एयर प्रेजेंट है, ठीक है. आगे देखो, कैन यू नाउ थिंक हाउ इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन द सोयल फुलफिल द नीड्स ऑफ ऑक्सीजन. इससे क्या पता लगता है मुझे कि सोयल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जो कीड़े मकोड़े प्रेजेंट है, दैट कैन इनहेल और मे बी रेस्पायरेट बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइड द पार्टिकल्स ऑफ सोइल. सोइल के जो पार्टिकल्स है, कण जो है, उनके बीच में जो पार्टिकल, जो एयर प्रेजेंट है, दैट इज द ऑक्सीजन, उनसे वो क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है. कैन यू थिंक हाउ फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स यूज एयर फॉर रेस्पिरेशन. वो वाटर के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है, दैट इज कंज्यूम्ड बाय देम, ठीक है. आगे देखिए आप लोग, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर ने क्या कर दिया? स्पेस कंज्यूम किया है. आई बस में एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. कैसे? उसके अंदर कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है?
एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, द क्लीन एयर कंप्राइजेस मेनली 10 गैसेस, क्या होगी जो कंप्लीट एयर जो है उसका जनरल अगर हम लोग देखें तो आई कैन से CO2 इज प्रेजेंट इन द 0.032%, ऑक्सीजन आई कैन से इट विल बी 21%, नाइट्रोजन विल बी 78%, ओके, रिमेनिंग गैसेस आर ऑल्सो हियर। ये सारी जो गैसेस है इनका कंपोजिशन है दैट इज इन योर बुक। और कौन कौन सी गैसेस है मैं आपको बता दूं, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है N2 नाइट्रोजन गैस है, O2 ऑर्गन, CO2 नियोन, हीलियम, मिथेन, क्रिप्टोन, क्रिप्टोन एंड जिनोन, सॉरी क्रिप्टोन हाइड्रोजन एंड जिनोन, ये सारी गैसेस जो है ये प्रेजेंट होती है किसमें, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि एक पाई चार्ट दिया है उसमें नाइट्रोजन विच मेक्स द 78% ऑफ एयर, अगेन नाइट्रोजन 78% इज नॉट यूज बाय द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स इसको यूज नहीं करते हैं डायरेक्टली, इट इज फर्स्टली कन्वर्टेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटू इट्स कंपाउंड लाइक द नाइट्रेट और नाइट्राइट्स विच इज देन यूज बाय द प्लांट्स। फिर इसका यूज कौन करता है, प्लांट डायरेक्टली इसका यूज करते हैं, वो भी नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में, देन दे विल मेक देयर फूड एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट फूड, ठीक है। इन नाइट्रेट्स विच इज देन यूज बाय द प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स गेट नाइट्रोजन थ्रू द प्लांट्स, एनिमल क्या करते हैं नाइट्रोजन गेन तो कर रहे हैं बट थ्रू द प्लांट्स, प्लांट के थ्रू जा रहे हैं। ऑक्सीजन विच कंस्टिट्यूट्स अबाउट 21% इन एयर इज यूज बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स डायरेक्टली फॉर द रेस्पिरेशन, ये दोनों ही केसेस में एनिमल्स और प्लांट्स से क्या होती है रेस्पिरेशन में काम आ रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड विच कंस्टिट्यूट्स अबाउट 0.03% ऑफ एयर इज यूज बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, मैंने आपको पहले ही बताया है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग देयर फूड बाय यूजिंग द सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एनिमल्स कैन नॉट यूज कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली, एनिमल्स क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। हाउ डू द एनिमल्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरीके से, डू यू नो दैट यूजेस ऑफ अदर गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द एयर, बिसाइड दीज गैसेस वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, इनके सबके अलावा डस्ट पार्टिकल्स और क्या है वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होती है। द फर्स्ट एक्टिविटी ऑन द नेक्स्ट पेज शोज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर, द नेक्स्ट एक्टिविटी शोज वाटर वेपर्स एयर शो करेगा, उसने एक एक्टिविटी शो करी है क्या कंटेन्स वाटर वेपर्स, जो बाहर की एयर है उसके अंदर वाटर वेपर्स है या नहीं है। सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं हम लोगों को करना क्या है, आइस से ठंडा जो पानी है आइसी कूल वाटर जो है आइसी कोल्ड वाटर जो है आपका दैट इज फिल्ड इन द टम्बलर, एक ग्लास के अंदर मैंने क्या किया स्टील का एक ग्लास था उस स्टील के ग्लास में मैंने ठंडा पानी डाल दिया, ठंडा पानी डाला तो क्या होगा उसके बाहर की जो सरफेस है ग्लास की जो बाहर की सरफेस है उसके ऊपर वाटर की ड्रॉप्स दिखाई हमको देती है कुछ समय बाद में, तो क्या होता है ऐसा उससे होता कुछ नहीं है, बाहर की जो वाटर वेपर्स है दैट इज हॉट जो थोड़ी गर्म है उड़ रही है हमें दैट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ ग्लास, उस ग्लास के सरफेस के कॉन्टेक्ट में आई हो और वो वाटर वेपर्स जो वेपर की फॉर्म में थी अब वो वहां पर टकरा कर क्या हो जाएगी ठंडी हो गई है, इस वजह से वहां पर क्या हो गई वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है, ठीक है। आगे देखिए लोग एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं, एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है इट इज द लेयर ऑफ एयर, इज द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जो एयर का एनवेलप जो बना हुआ है दैट इज कॉल्ड इट्स एटमॉस्फेयर, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स दैट इज फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ये सारे क्या है आपके 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। यहां पे फर्स्ट उसने दिया है ट्रोपोस्फियर, क्या है ट्रोपोस्फियर,
एक्सटेंडिंग अप्रोक्सीमेटली अप टू 15 किलोमीटर्स। अगर हम लोग इसकी लेयर की बात करें तो लेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो फ्रॉम द अर्थ, सपोज इट इज द अर्थ, यहां से ये क्या है आपकी अर्थ है, अर्थ सरफेस, एंड अप टू 15 किलोमीटर्स, अप टू 15 किलोमीटर्स कौन है ये आपका क्या है ट्रोपोस्फियर है, इट इज ट्रोपोस्फियर, ठीक है। देन आफ्टर इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, ये क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास में है। एज वन गोज हायर अप इन द ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्रॉप्स, जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फियर की तरफ तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं। वाटर वेपर्स दैट हैज राइजन अप कैन नॉट गो हायर देन दिस लेयर, वाटर वेपर्स जो थी, जो वाटर वेपर्स पानी के साथ ठंडे पानी के अंदर कंडेंस हो गई थी, दैट कैन नॉट बी गो फर्दर इन टू द आफ्टर द ट्रोपोस्फियर, ठीक है। वाटर वेपर चेंजेस इन टू आइस एंड इज ट्रैप्ड हियर, वाटर वेपर जो थी वो आइस में बदल जाएगी और कहां पर रुक जाएगी, इसी जगह पे, इसी लेयर पे बच जाएगी। मोस्ट क्लाउड्स एंड द वेदर फिनोमिना सच एज विंड स्नो फॉग एंड डस्ट स्टॉर्म्स आल्सो अकर्स हियर, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी वेदर से रिलेटेड फिनोमिना है, जितने भी रिलेटेड टर्म्स है, विंड होगा, स्नो होगा, फॉग हुआ, डस्ट चल रही है, जो भी है वो सारी कहां पर होगी, आंधियां वगैरह सारी किसमें होती है ट्रोपोस्फियर में। ओके नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर क्या है, इट लेज राइज अप टू द ट्रोपोस्फियर, नेक्स्ट टू द ट्रोपोस्फियर, नेक्स्ट टू द ट्रोपोस्फियर, और ये इसकी लेंथ जो है अप टू कितनी होती है 15 से लेकर 50 तक, ये 50 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। अबाउ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे मतलब यहां से लेकर ये 50 तक ये चल जाएगी, 15 से ऊपर वाली जो लेयर है अप टू 50, दिस लेयर कंटेन्स अ थिन लेयर ऑफ ओजोन अब्सॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल गैसेस, ओजोन O3 गैस, इट इज द हार्मफुल गैस, बट इट इज यूजफुल फॉर अस एज इट अब्सॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, कमिंग फ्रॉम द सन, द एयर हियर इज वेरी ड्राई, यहां पर ड्राई एयर है एंड थिन, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज वेयर जेट एयरक्राफ्ट एंड हॉट एयर बलून फ्लाई, यहां पर क्या होता है जेट एयरवेज, जेट एयरक्राफ्ट एंड हॉट बलून, हॉट एयर बलून जो गर्म हवा के गुब्बारे होते हैं ना बड़े वाले, वो इसके अंदर फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाइए, मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर क्या बोलता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द 50 to 80, यहां से 50 to 80, इस 50 से 80 किलोमीटर, ये कितना हो आपका 30 हो गया तो ये 80 पे आ गया, ये कौन है आपका मीजोस्फीयर, क्या है ये मीजोस्फीयर, और ये क्या था आपका स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। आफ्टर देखिए, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द 50 to 80 किलोमीटर अबाउट द अर्थ सर्फेस, दिस लेयर लाइज डायरेक्टली अबाउट द स्ट्रेटोस्फियर, इट इज नोन एज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर, ये कौन सा पार्ट है आपका कोल्डेस्ट पार्ट है मीजोस्फियर, इट इज नोन एज नोन टू बी कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर, मोस्ट मेटियोर्स बर्न अप इन देयर इन दिस लेयर आफ्टर एंटरिंग द अर्थ एटमोस्फियर एंड बिफोर रीचिंग द अर्थ सर्फेस, मोस्ट मेटीरियल बर्न अप, बर्न अप का मतलब होता है वो ठंडे पड़ जाते हैं, मतलब उनका जो भी सोच है उनकी वो क्या होती है बहुत कम होती है इसके बारे में, मोस्ट मेटीरियल बर्न अप इन दिस लेयर आफ्टर एंटरिंग द अर्थ एटमोस्फियर, थर्मोस्फियर क्या है बोलता है, दिस लेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द 80 किलोमीटर, दिस लेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से ऊपर जो है वो आपका क्या है, जो भी लेयर है वो कौन सी है आपकी थर्मोस्फियर, कौन सी है थर्मोस्फियर, फ्रॉम द सन इट रिसीव्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहां से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको मिलती है थर्मोस्फियर को, दैट्स व्हाई इट इज द हॉटेस्ट पार्ट,
From the sun, it receives extraordinarily large amount of energy. Temperatures in this layer may rise to as high as thousands of degree. यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कितना डिग्री तक हो सकता है? 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. Which makes the atmosphere very hot. It is where the space shuttles and satellites orbit and aura. Northern and southern lights are occurs. वहां पर क्या होता है आपके स्पेस शटल्स और सैटेलाइट्स कहां पर जाते हैं? यहां पर स्पेस, ये अप्रोक्स हम लोग इसको स्पेस मान सकते हैं कि यहां पर क्या होता है स्पेस सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं. आई बात समझ में? लास्ट पार्ट क्या है आपका? एग्जोस्फियर. इससे भी बाहर द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज एग्जोस्फियर एंड इट इज द लेयर वेयर एटमोस्फियर मर्जेज इन टू स्पेस. यहां पर क्या हो जाएगी लास्ट लेयर आपकी, वो कौन सी है आपकी? एग्जोस्फियर. ठीक है, फाइव लेयर्स आ गए आपकी, एक दो तीन चार और पांच, पांचों लेयर आपकी हो चुकी है. ठीक है, अब देखिए आप लोग यहां पर क्या है और नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑक्सीजन साइकिल, जो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. उसके आपके क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दिए जाएंगे. ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.